स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। हाँ बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है, आपका जो समय शेड्यूल है, एग्जाम आपके बहुत पास में है, ठीक है, और अभी हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपके साथ हूँ। हम बच्चों आज ले रहे हैं तत्वों के आवर्ती गुण, ठीक है। तत्वों के आवर्ती गुण में पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो अध्याय है आपका, अध्याय नंबर 3, आप वहां पर देख पाएंगे, आपको ये सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। बच्चों तो ध्यान दीजिए, मैं पहला टॉपिक आपके सामने लेने जा रहा हूं। मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं बच्चों आयनन ऊर्जा के बारे में। आयनन ऊर्जा, तो जो आपका प्रश्न बनता है कि आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, आयनन ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ठीक है, इसको समझाना। तो आयनन ऊर्जा मैंने टॉपिक दिया हुआ है, जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपसे कहता हूं बच्चों, ध्यान दीजिए, किसी तत्व के परमाणु, किसी तत्व के परमाणु की विलगित विलगित गैसीय विलगित गैसीय अवस्था से विलगित गैसीय अवस्था से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को निकालने हेतु तत्व के परमाणु को दी जाने वाली ऊर्जा को उसकी क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे उसकी आयनन ऊर्जा, उसकी आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आपके सामने अभी मैंने रखा है, बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक समझिए बच्चों। मैंने बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, मैंने बोला हुआ है कि किसी तत्व के परमाणु की विलगित गैसीय अवस्था से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को निकालने हेतु, है ना, तत्व के परमाणु को हम जो ऊर्जा देते हैं ना, दी जाने वाली ऊर्जा, ठीक, उस ऊर्जा को बच्चों हमने क्या नाम दिया है, उसको हमने कहा है आयनन ऊर्जा। बच्चों आप याद रखिए, जो आयनन ऊर्जा है ना, इसी आयनन ऊर्जा को हम आयनन, बच्चों इस ऊर्जा को हम आयनन विभव के नाम से भी जानते हैं, है ना, बहुत सारे लोग इसको आयनन विभव भी कहते हैं, ठीक, यानी आयनन ऊर्जा बोलिए या आयनन विभव बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं डेफिनेशन को और ध्यान दीजिए बच्चों। सपोज अगर मैं आपके सामने एक उदाहरण लेना चाहूं, उदाहरण क्या होगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, उदाहरण क्या होगा उस पर हमको ध्यान दिया। तो बच्चों जैसे कि मैं आपको बता रहा था एग्जांपल, तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक तत्व ले लेता हूं उदाहरण के तौर पर, सबसे पहले आपके सामने रखने जा रहा हूं उदाहरण नंबर 1, ध्यान से समझिए। मैं ले लेता हूं बच्चों सोडियम, ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने रख रहा हूं 2, 8 और 1। तो बच्चों सोडियम का यह नाभिक है, ठीक है, इसके चारों तरफ ये उसका पहला वृत्ति शेल है, ये उसका दूसरा वृत्ति शेल है, और बच्चों इस प्रकार से ये इसका तीसरा वृत्ति शेल है, ठीक है। मैं पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने रख देता हूं बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं सोडियम के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और ये उसके पास होगा दूसरा इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार बच्चों दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा और ये आठवा। तीसरे और अंतिम सेल में जो कि संयोजी सेल माना जाता है बच्चों, ये
ठीक है, इसको आप देख रहे हो, मैं बता रहा था ये जो अंतिम सेल आप देख रहे हो इसको हमने क्या भी नाम दिया हुआ है, ये संयोजी कोष है, ठीक है, सोडियम का संयोजी कोष है। तो बच्चे सोडियम के संयोजी कोष में अंतिम में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों उसके अंतिम शेल में हम केवल एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, मैंने आयनन ऊर्जा के आपको जो डेफिनेशन दिया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपसे कहा कि किसी तत्व के परमाणु की गैसीय विलगित अवस्था से, है ना, या विलगित गैसीय अवस्था से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए हम उसको जो ऊर्जा देते हैं वो ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन ऊर्जा को आपने आयनन विभव बोला। बच्चों जब आप किसी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके संयोजी सेल से निकलेगा, उसके वैलेंस सेल से निकलेगा। ठीक है, कहां से निकलता हमेशा, उसके वैलेंस सेल से, संयोजी कोष। तो बच्चों इस अंतिम इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है, ध्यान दीजिए और समझिए मेरी बात को, हमको इस अंतिम इलेक्ट्रॉन को निकालकर बाहर करना है। कौन सा अंतिम इलेक्ट्रॉन, ये वाला। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अब मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं, आपको समझाने के लिए मैं बोल दूं कि मैं इसको ऊर्जा के रूप में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, ऊर्जा क्या करता हूं, प्रदान करता हूं। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहां से आएगी वो बात की बात है, हम उसके बारे में अभी बात नहीं करते। हमने किसी सोर्स से वो ऊर्जा ली और हमने सोडियम के संयोजी कोष के अंतिम इलेक्ट्रॉन को वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या कर दी, दे दी। हम जैसे ही ऊर्जा देंगे ये अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटे, ये क्या करेगा, ये अपनी निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर से ये निकलकर ये कहां पहुंच जाएगा, ये उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि सोडियम के पास तो केवल 3 सेल है, कोई भी उच्च ऊर्जा स्तर मौजूद नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल तो जाएगा लेकिन जब ये देखिएगा कि उसके पर कोई भी उच्च ऊर्जा स्तर उपस्थित है ही नहीं, तो ये अपने मूल स्थान पर वापस आने के लिए रिटर्न हो जाएगा। ठीक, लेकिन उस समय तक ये जो इसका अंतिम वाला सेल है ना, ये वाला अंतिम सेल, तो ये उसका अंतिम सेल जो है ये क्या हो जाएगा बेटे, खत्म हो जाएगा और उसको रहने के लिए वो स्थान भी उपस्थित नहीं रहेगा। तो सोडियम अपने उस अंतिम एक इलेक्ट्रॉन को खो देगा हमेशा के लिए और उसका एक नया विन्यास इस तरह से प्राप्त हो जाएगा, ये पहला सेल और दूसरा सेल, ठीक, केवल 2 सेल बचेंगे और इस तरह से उसके जो शेष इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे ना बच्चों, ठीक है, वो आपको दिखेंगे, पहले वाले में 2, फिर दूसरे वाले में इस तरह से केवल 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन जो उसके सेल से निकलेगा उसकी वजह से सोडियम के परमाणु पर एक धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सोडियम का जो परमाणु था, है ना, ये परमाणु है सोडियम का, ठीक है, ये सोडियम का क्या है बच्चों, परमाणु। अब ये बदल जाएगा सोडियम के आयन में, जैसे ही आपको उसके ऊपर धनात्मक चार्ज दिखे आप समझ जाओ कि वो किसमें बदल चुका, सोडियम के आयन में बदल चुका है। ठीक है, और यही वजह है बच्चों कि सोडियम या किसी भी तत्व के संयोजी कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने जो ऊर्जा उस पर खर्च की ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं होगी, यही कहलाएगी हमारी आयनन ऊर्जा। होप सो आपको आयनन ऊर्जा समझ में आया। ठीक, आगे चलेंगे बच्चों जल्दी से और देखेंगे आयनन ऊर्जा के प्रकार। तो बच्चों मैं आपको आयनन ऊर्जा के प्रकार के बारे में जानकारी दे रहा हूं और ध्यान से समझिएगा। प्रकार बता रहा हूं तो हम समझेंगे आयनन ऊर्जा के प्रकार। ठीक है, आयनन ऊर्जा के प्रकार, तो बच्चों आयनन ऊर्जा के प्रकार आप समझिए बहुत अच्छी तरह से कि आयनन ऊर्जा 3 प्रकार की होती है। ठीक, इसमें जो सबसे पहली आयनन ऊर्जा है हम उसको कहते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रथम आयनन ऊर्जा, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं I1 से। बच्चों दूसरी कहलाती है द्वितीय, ठीक है, द्वितीय आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, आप कुछ भी बोलिए, दोनों का अर्थ एक ही है।
इसको बच्चों हम आई टू से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी होती है बच्चों हमारे पास, वो है तृतीय, तृतीय आयनन ऊर्जा, ठीक है, तृतीय आयनन ऊर्जा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई थ्री से। ठीक बच्चों, मैं जल्दी से आपको प्रथम आयनन ऊर्जा के बारे में जानकारी दे देता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। हाँ तो बच्चों, मैं जल्दी से आपको आयनन ऊर्जा का जो प्रथम वाला वो है वो तुलनात्मक अध्ययन आपको दिखा देता हूं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल मैंने अभी आपके सामने सोडियम का लिया था बच्चों, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 मिला, ठीक है। दूसरा एग्जांपल बच्चों मैं मैग्नीशियम का ले लेता हूं, 12 कॉन्फिगरेशन करता हूं, 2, 8 और 2 हो जाएगा बच्चों। तीसरा एग्जांपल मैं एल्युमिनियम का ले लेता हूं, इसका परमाणु क्रमांक 13 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 ले लेता हूं, ठीक। बच्चों आप देख सकते हैं कि सोडियम के अंतिम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सोडियम ये पहला कोश, ठीक है, फिर ये दूसरा कोश और बच्चों ये है उसका तीसरा कोश। तो तीसरे वाले में केवल अंतिम में एक इलेक्ट्रॉन है, मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिखाता हूं। मैग्नीशियम ये उसका परमाणु नाभिक, पहला कोश, दूसरा कोश और ये है तीसरा कोश, ठीक है बच्चों। इसके अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन और ये है दूसरा इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से एल्युमिनियम नाभिक, पहला कोश, दूसरा कोश और ये है तीसरा कोश बच्चों। इसके अंतिम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये है तीसरा इलेक्ट्रॉन। फाइनल ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को और समझिएगा। जब आप केवल संयोजी कोश में किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन है आप उसको निकालेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है, वो आपकी प्रथम आयनन ऊर्जा कहलाएगी, वो प्लस वन धनात्मक आवेश अपने ऊपर धारण कर लेगा। यदि किसी तत्व के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप पहले एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, बाद में दूसरे को निकालेंगे। पहले को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगेगी वो आपकी प्रथम आयनन ऊर्जा होगी, लेकिन दूसरे को निकालने के लिए जब आप ऊर्जा देंगे तो वो ऊर्जा आपकी द्वितीय आयनन ऊर्जा होगी बच्चों। इसी प्रकार जब आप 3 इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे तो पहले वाले को निकालने के लिए I1, दूसरे के लिए I2 और जब तीसरे इलेक्ट्रॉन को भी निकालेंगे तो उसके लिए जो आयनन ऊर्जा प्राप्त होगी वो I3 होगी। बच्चों आपको हमेशा समझना है कि जब आप प्रथम आयनन ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो ये किसी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने पर प्राप्त होती है, जबकि द्वितीय आयनन ऊर्जा जो है ये धनावेशित आयन से इलेक्ट्रॉन को निकालने पर प्राप्त होती है। इसीलिए जो द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान है वो प्रथम आयनन ऊर्जा के मान से सर्वदा ज्यादा होगा। इसी प्रकार बच्चों तृतीय आयनन ऊर्जा का जो मान है वो द्वितीय और प्रथम से भी ज्यादा होगा। यानी अगर मैं आयनन ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम आपको बताऊं तो सबसे कम आयनन ऊर्जा I1 की होगी, इससे ज्यादा आयनन ऊर्जा I2 की होगी और इससे भी ज्यादा किसकी होगी बच्चों, I3 की होगी। यानी कि किसी द्विसंयोजी धनात्मक आयन से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज्यादा कठिन कार्य होता है और यही वजह कि हमको ऊर्जा की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी और यही वजह कि आयनन ऊर्जा का मान सर्वाधिक होगा। ठीक है बच्चों, बच्चों यहां तक हमने आयनन ऊर्जा के बारे में समझा, बहुत छोटे से संदर्भ में इसकी आवर्तता आपके सामने रखूंगा, आयनन ऊर्जा की आवर्तता, ठीक है, इस पर भी हम बहुत छोटी सी बात करने जा रहे हैं और बहुत संक्षिप्त में बात करने जा रहे हैं।